नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर देश दिल्ली एनसीआर और गौतम बुद्ध नगर की टॉप 10 खबरें। आज पत्रकारिता दिवस है। सर्वप्रथम पत्रकारिता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। 30 मई 1826 को देश में पहले हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड की शुरुआत कोलकाता से कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर शुक्ल ने की थी। देश की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा किया है। कोरोना काल में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने ऑडियो और वीडियो संदेश के माध्यम से देश की जनता का धन्यवाद किया है। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। और अब कोरोना अपडेट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार दोपहर 3 बजे तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,74,301 तक पहुंच गई है। अब तक 4,981 लोगों की मौत हुई है। देश में सबसे ज्यादा 62,228 कोरोना संक्रमित के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। 2,098 लोगों की महाराष्ट्र में अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर पुलिस कर्मियों पर भी टूट पड़ा है। पिछले 24 घंटे में 114 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों में देश भर में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। 265 लोगों की मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के LNJP अस्पताल के निदेशक और 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को लेकर CM अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना का स्थायी इंतजाम करना पड़ेगा। शनिवार को उड़ीसा में 96, असम में 177 और राजस्थान में 49 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। देश के केरल राज्य में लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मोबाइल परीक्षण वाहन लॉन्च किया गया है। गांव, कस्बे और शहरों में कोरोना संक्रमित लोगों का इस वाहन के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। शनिवार तक दिल्ली में कोरोना के 17,386, गुरुग्राम में 520, फरीदाबाद में 307, गाजियाबाद में 378, उत्तर प्रदेश के आगरा में सबसे अधिक 876, लखनऊ में 366, कानपुर नगर में 365, बुलंदशहर में 111 मामले सामने आए हैं। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में शनिवार तक 386 मामले सामने आ चुके हैं। 7 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार शनिवार और शुक्रवार को 2 दिन 2 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा के छोलस गांव में गांव वालों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन ने मिट्टी की दीवार लगाकर गांव को सील कर दिया है। लॉकडाउन में ग्रेटर नोएडा की धनकौर कोतवाली के एक पुलिसकर्मी पर खेतों पर जाने के समय एक दलित के हाथ तोड़ने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं लॉकडाउन में भी ग्रेनो पुलिस का बदमाशों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई का ग्राफ डाउन नहीं हुआ है। ग्रेनो में पुलिस मुठभेड़ का रिकॉर्ड बन गया है। इस दौरान लॉकडाउन में ग्रेनो पुलिस की शुक्रवार को बदमाशों के साथ 4थी मुठभेड़ हुई है। अब तक कई इनामी लुटेरे और गौकसी के बदमाश पकड़े जा चुके हैं। DCP राजेश कुमार सिंह का कहना है कि बदमाशों के खिलाफ थर पकड़ का अभियान जारी रहेगा। गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और DM सुहास LY ने पत्रकारिता दिवस पर जिले भर के पत्रकारों को शुभकामना दी है। शनिवार को दिन दहाड़े 2 बाइक लुटेरों को CCTV कैमरे में कैद किया गया है। यह ग्रेटर नोएडा की कासना कोतवाली का क्षेत्र है। 2 बदमाश सरेराह बाइक चोरी कर रहे हैं। कुछ देर पहले यह बाइक चोरी कर ले जा रहे बदमाश एक बाइक पर बैठकर आए थे और अब कुछ देर बाद आप देखेंगे वीडियो में यह दोनों लुटेरे बाइक चोरी कर बेखौफ सड़क से 2 बाइकों पर चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, यह शनिवार की दोपहर 2 बजे का वीडियो है और दोनों बाइक लुटेरे एक एक बाइक पर जा रहे हैं। शुक्रवार की देर शाम हल्की बारिश से धनकौर क्षेत्र के कई गेहूं खरीद केंद्रों पर खुले में पड़ा गेहूं भीग कर बर्बाद हो गया। लाखों रुपए का गेहूं बर्बाद होने की खबर आ रही है। शुक्रवार की देर शाम आई आंधी से बिजली की लाइनों में फॉल्ट आ गया। धनकौर रवुपुरा कस्बे सहित
ग्रेटर नोएडा के देहात के 66 गांव में 15 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप रही। लोगों को काफी परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दिल्ली NCR और गौतम बुद्ध नगर की टॉप 10 खबरों का यह अंदाज आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया दें। लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और देखते रहें रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ।